मैदानाच्या बाहेर चला. पाण्याची व्यवस्था इथे करण्यात आलेली आहे. ज्यांना पाणी हवंय ते निश्चित पाणी घेऊ शकतात, पाणी पिऊ शकतात. वाईट चेंडूची होईल त्यावेळेस फल क्षेत्ररक्षकाचं नाव पटकन कळवा. गोलंदाजाचंच नाव नाही सांगायचं तर एखादा मतदारसंघ सुरक्षित असू शकतो जिथे कोणी उमेदवार उभा असेल तरी तो निवडून येऊ शकतो. खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर. मिळत आहे चार एकेंडवरती, चार चेंडूमध्ये चार धावा. तर कैलाश डांगी यांनी सहा चेंडूमध्ये नऊ धावांचं योगदान आतापर्यंत. एक चांगला स्क्वेअर कट पाहिजे. क्षेत्ररक्षक पाठमोरे चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर आणि चार रन. येष्ट्यांवरती चेंडू जरूर आदळलाय. हो 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 हो, ही चोरी आहे, ही दिवसा ढवळ्या धावांची चोरी आहे. मात्र चोरी पकडली गेली का, तिसऱ्या पंचांकडे उत्तर मागितले. बघूया धाव फलकावरती. तर 40 धावा आहेत एका गड्याच्या. सातवां संस्करण. इस बीच छोटी गेंद बहुत जल्दी पोजीशन में ऑफ स्टंप के बाहर गए. घुमाया गेंद को, पहुंचाया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए. एक कड़ा स्ट्रोक और तेजी से इस गेंद पर प्राप्त किए हैं रन चार. स्कोर है 49 रन फॉर मीका यहां पर निभाते हुए. फुल टॉस केवल टाइम किया, दिशा दिखाई मिड विकेट की दिशा में. खिलाड़ी पीछे रहे, गेंद को रोकने में नाकामयाब और गेंद सफलतापूर्वक जा पहुंची है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए. दिलाल जी एक बार फिर अगली गेंद करते हुए ऊपर डाली गेंद, कड़ा स्ट्रोक, बॉटम एंड का इस्तेमाल और देखना होगा कि क्या गैप को भेद पाएंगे. तो जी हाँ, आप देखिएगा लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच के गैप को भेदा है, चौका आया है. इस बार पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन सेट बल्लेबाज यहां पर हावी होते हुए पहली गेंद इस गेंद को आड़े बल्ले से खेला, पुल किया, पहुंचाया गेंद को स्क्वायर लेग. इस बार उठाकर मारा स्क्वायर लेग के दिशा में. कांतिलाल जी यहां पर चूक कर गए, गेंद ने कांतिलाल जी को बीट किया, जा पहुंची है बाउंड्री लाइन के बाद. मुकेश जी बहुत बढ़िया स्ट्रोक, इंतजार किया, हल्के से बैकफुट पर गए, अपने पिछले पांव पे वजन डाला, गेंद को पहुंचाया कवस के बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए जी. और गेंद हवा में, लाला राम जी दौड़े जरूर है और क्या बात है, बहुत बढ़िया शानदार बल्लेबाजी, सफल सटीक रनों का. देख रहा होगा कि किस अंदाज में चेस करेगी के दबंग की टीम, लेकिन यहां पर तारीफ करने की योगेश जी की, जिन्होंने 28 गेंद में 50 रनों की धुआंधार विश्वसनीय पारी खेली. तो ऑर्गेनाइजर मुकेश जी कैप्टन आलेले आहेत, टॉस घ्या ना प्लीज करून. नटराज जी बघा टॉस करता कुठे फिरतायत. आखिरी गेंद पर चौका लगाया है लालाराम जी ने और स्कोर है एक ओवर के पश्चात के दबंग टीम का 7 रन. टीम का नाम है दबंग और इसी दबंग अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी. क्रिकेट टीम्स साठी सीनियर लोकांसाठी जी क्रिकेटची व्यवस्था केली त्याचे जनक आमचे बाबूलाल जी उनेचा सर्वप्रथम त्यांचं धन्यवाद करतो की त्यांनी ही स्पर्धा सुरुवात केली. आणि आता आम्ही लहान मुलींचे असते तर ते एकत्र येऊन ही टीम्सला कार्य दिलं जातं आता. वा हा प्रत्येक टीमला बाबा की बाबा तू हे काम बघायचंय, तू हे काम बघायचंय, असं पूर्ण समाजाचंही काम. बस सुस्त नजर आते हुए जागना होगा और तेजी से रन बटोरना होगा. रन आउट का मौका और नरेंद्र रन आउट होते हुए, अच्छा थ्रो वहां पर राजू का. राजू जी बहुत बढ़िया फील्डिंग इस इनिंग में, वो आक्रामक अंदाज नहीं दिखा बल्लेबाजों का, वो तेजी नहीं दिखी, वो समर्पण नहीं दिखा जो दर्शा सके कि लक्ष्य को पार करने की कोशिश. इस बीच आगे बढ़े राजू ने, जाओ उठाकर मारा, हालांकि
बल्ले का किनारा लिया, गेंद ने विकेट कीपर योगी जी ने कैच को लपकाया। अब देखिए अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा है, तो रिव्यू यहां पर लिया गया है। लेकिन और आखिरी गेंद पर यहां पर सिंगल आता हुआ और इस मुकाबले को 46 रनों से रॉयल किंग्स